हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन टेक से बात हो सकते हैं। दोस्तों, हाई कोर्ट जो एलडीसी वैकेंसी थी जो कैंसिल हुई थी 1900 के समथिंग उस टाइम पोस्ट थी, वो अब वापस विज्ञप्ति जारी हो गई है। तो जल्दी से स्टूडेंट देखिए कौन कौन आवेदन कर सकता है और जिन्होंने पहले नहीं किया उनको करना है या नहीं करना, पूरे इस डिटेल में बताएंगे। एक शॉर्ट नोटिस आया, फुल डिटेल में बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके देखिए एक नोटिफिकेशन आया राजस्थान हाई कोर्ट से जोधपुर द्वारा, और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 2 वर्ष अवधि तक 14,700 दिया जाएगा, जो कि आपका प्रोबेशनर पीरियड रहेगा। उसके बाद आप L5 स्केल पर 20,800 से 65,900 तक आपको दे होगा, मानदेय दे होगा। अब बात करते हैं इसमें जो राजस्थान में कनिष्ठ न्यायिक सहायक की पोस्ट है वो कितनी, जनरल से 116 है, ठीक है, टोटल इसमें 320 पोस्ट है। नेक्स्ट अगर आप देख लेना इसमें डिटेल में, और जो लिपिक ग्रेड सेकंड है उसकी 4 पोस्ट है, कनिष्ठ सहायक की 18 पोस्ट हैं। लिपिक ग्रेड सेकंड जिला न्यायालय में बता रहे सबसे ज़्यादा तो इन्हीं में ही मिलेगी, 1985 के समथिंग पोस्ट है। नेक्स्ट लिपिक ग्रेड अनुसूचित क्षेत्र में TSP और नॉन TSP की ये 2 पोस्ट आती है, 69 है। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तालुका विधिक सेवा समिति और स्थायी लोक अदालत साहित्य में जो कनिष्ठ सहायक है उसकी 343 है, और कनिष्ठ सहायक अनुसूचित क्षेत्र की मतलब नॉन TSP की कितनी, 17। तो ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होंगे आपके 22 अगस्त से स्टार्ट होंगे और 22 सितंबर तक चलेंगे शाम 5 बजे तक। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क आप 22 से ही कर सकते हैं, 23 सितंबर तक आवेदन को सुला दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम दिनांक और इनकी वेबसाइट दी हुई है, इससे जाके आप फिल कर सकते हो फिर, या फिर SSO ID से हो जाएगा। दोस्तों, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक बार इस फॉर्म को जरूर भरना, बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है, अच्छे से तैयारी करना। और बाकी इसकी जो फुल डिटेल है मैं शाम को या कल तक एक वीडियो लाऊंगा उसमें बताऊंगा। ये एक शॉर्ट नोटिस था वो मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।